गणपति बप्पा मोरिया और इस उद्घोष के साथ देश भर में जो है आज गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार देश और दुनिया के सामने कोरोना का बड़ा संकट है, लिहाजा कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो इस वक्त हम महाराष्ट्र मंडल में हैं और यहाँ पर ये 52वां साल है, 52 साल से यहाँ पर जो गणपति हैं वो विराजते रहे हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि पटना को के लोगों को यहाँ पर लालबाग के राजा के ही दर्शन इसके पहले के साल तक होते रहे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं है, लिहाजा जो मंडल है उसने आंतरिक तौर पर जो है वो गणेश उत्सव जो है वो इस बार आयोजित किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार क्योंकि छोटे जो गणेश भगवान हैं उनके विग्रह को यहाँ पर विराजित किया गया है, विधि विधान बिल्कुल वही है, लेकिन बाहरी किसी भी व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं है। इसके पहले के साल में जब जब हम पहुँचे यहाँ पर तो यहाँ पर हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से क्योंकि बिहार में लॉकडाउन को कंटिन्यू भी किया गया है कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस के साथ में और धार्मिक आयोजनों पर रोक है, लिहाजा आंतरिक तौर पर जो है पूरा आयोजन चल रहा है। जो है इस बार लालबाग के राजा की जगह पर डगरू सेठ जो कि पुणे की बहुत फेमस गणपति हैं वो विराजित हुए हैं वहाँ पर। हमारे साथ में संजय भोसले जी हैं जो कि महाराष्ट्र मंडल जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्योंकि 52 साल का सफ़र है और इस बार कोरोना की वजह से सब कुछ बदल गया है, किस तरीके से पूरा आयोजन चल रहा है और आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है भक्तों के लिए, क्योंकि लोग तो आएंगे नहीं? प्रथम तो देशवासियों को, बिहार वासियों को गणेश चतुर्थी की महाराष्ट्र मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। हम अब कोरोना का संकट जो देश पे और पूरे दुनिया पे जो आया हुआ है उसी का ये परिणाम है कि आज हर साल आप आ करके यहाँ देखते थे कि हज़ारों की संख्या में यहाँ गोड़ रखने की जगह नहीं होती थी, आज एकदम खाली खाली पंडाल एकदम नज़र आ रहा है। चार लोग हम लोग बस सदस्यगण महाराष्ट्र मंडल के हैं वही उपस्थित हैं। आज सुबह जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उनकी केवल 10 लोगों की उपस्थिति में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और विशेष तौर पे हम लोगों ने मीडिया आप लोग के मीडियम के माध्यम से ही पहले ही हमारे जो भक्तजन हैं सब लोगों को एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग घर बैठे सब परिवार फेसबुक लाइव पे दर्शन करने का आनंद लीजिए, यहाँ महाराष्ट्र मंडल में नहीं आई है क्योंकि आपकी स्वस्थता जो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए महाराष्ट्र मंडल ने निर्णय लिया था और एक महाराष्ट्र मंडल ने फेसबुक अकाउंट बनाया महाराष्ट्र मंडल पटना के नाम से, उसी पर लाइव सुबह 10 बजे की आरती का लाइव दर्शन और शाम को 7 बजे लाइव आरती का दर्शन का इंतजाम फेसबुक लाइव पे किया हुआ। संजय जी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं जो बिहार में बसे हुए हैं या दुनिया में कहीं भी हैं उनके लिए गणेश पूजा एक तरीके से इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि साल का सबसे बड़ा आयोजन है, इस बार क्योंकि उस इमोशन को कैसे कंट्रोल किया है आप लोगों ने, क्योंकि मुंबई से लेकर के पटना तक में बिल्कुल रौनक फीकी सी है इस बार? इस बार तो सर क्या बताया जाए, हम लोग के दिल पे देशवासियों के दिल पे इतनी बड़ी आफत आई हुई है, लग नहीं रहा है कि हम लोग इस धरती पे है ऐसा लग नहीं रहा है। जो जो धार्मिक आयोजन है सभी पर इतना बंदिश आई गई है, अब खैर विघ्नहर्ता गणेश जी है, हम लोगों ने आज तो उनसे अरदास प्रार्थना की है कि भगवान गणेश जी आप तो सृष्टि के दाता है, आज जितना जल्दी हो आप इस कोरोना महामारी को दुनिया से निजात दिलवाइए और हमें पूर्ण विश्वास है आज से गणेश जी का आगमन हुआ है, गणेश जी जल्द से जल्द इस महामारी से हम लोग को निजात दिला देंगे। तो बिल्कुल, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी कि वो भगवान जो कि विघ्नों को हरते हैं, दुख कष्ट को दूर करते हैं, लिहाजा भगवान की प्रतिष्ठा तो हुई है भक्त नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए ऑनलाइन जो है आरती की व्यवस्था की गई है महाराष्ट्र मंडल पटना के फेसबुक अकाउंट पर, जहाँ पर सुबह 10 और शाम के 7 बजे लाइव आरती आप देख पाएंगे। और साथ ही इस आयोजन के माध्यम से कोशिश इस बात की हो रही है कि भगवान गणेश जो हैं देश और दुनिया में जो कोरोना का संकट है उसे जल्द से जल्द दूर करे। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।